हेलो एवरीवन, वेलकम टू अम्मी की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्बल केक की नो फेल रेसिपी। अगर आप इस रेसिपी को एग्जैक्टली वीडियो में बताए गए तरीके से बनाते हैं तो आपका भी केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 8 इंच का केक टिन ले लिया है, इसे हम ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई चपटे बॉटम वाला स्टील का टिफिन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बटर पेपर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप सिंपली इसे ऑयल से ग्रीस करके इसे मैदे से डस्ट कर दें। केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। अब हम इसे भी ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो हमारा केक टिन तो तैयार है, चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम 1 कप महीन पीसी हुई चीनी डाल देंगे, 1/4 कप तेल डाल देंगे। यहाँ पर कोई शार्प फ्लेवर का ऑयल नहीं यूज करना है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सनफ्लावर या तो राइस ब्रान का ऑयल यूज करें। 1 कप दूध डाल देंगे, ये ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1-2 बूंदे वनीला एसेंस के डाल देंगे और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देंगे और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जैसे कि 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक लंप फ्री मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहेगी। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम मिक्सचर की 1/2 क्वांटिटी डाल देंगे। फिर हम उसके अंदर 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कोको पाउडर डालने की वजह से मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच दूध डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो अब हम अपना ग्रीस्ड किया हुआ केक टिन ले लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच वनीला बैटर डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट बैटर डाल देंगे। अल्टरनेटली हम चॉकलेट बैटर और वनीला बैटर को ऐड करते रहेंगे जब तक कि हमारा बैटर खत्म ना हो जाए। तो देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब हम एक नाइफ की मदद से इस पर डिजाइन बना लेंगे। अगर आपके पास स्क्यूअर हो या टूथपिक हो तो आप उससे भी डिजाइन बना सकते हैं। अब इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे ताकि जो छोटे एयर बबल्स है वो निकल जाए और इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मोटी तले की कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखा था लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके अंदर हम अपना केक टिन डाल देंगे और इसे लिड से कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे 30-35 मिनट्स के लिए बेक होने रख देंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करते हैं तो इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 40-45 मिनट्स के लिए बेक होने रख दें। तो ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम एक नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम इस केक टिन को बाहर निकाल लेंगे। और इसे हम एक नाइफ की मदद से डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसे पलट देंगे और इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे। ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर निकल आया है। तो अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। और इसे एक प्लेट के ऊपर हम फिर रख देंगे। तो हमारा मार्बल केक तो तैयार है, चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ।
ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।